क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो यस मैम। पहले तो चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, अब तुम लोगों को तो सब्जेक्ट पता है, मैंने नाम लिख दिया आरसीसी। ठीक है, आरसीसी मैंने लिखा है बट सिलेबस में लिखा हुआ है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वन। ठीक है, तो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वन को हम दूसरे अपने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लैंग्वेज में हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट भी बोलते हैं, इसीलिए हम आरसीसी वन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट इस सेमेस्टर जो क्लास मैं लेने वाली हूँ वो आरसीसी वन से है। तो इस सेमेस्टर जो भी क्लासेस चलेगा वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वन से होगा। तो तुम लोगों के पास सिलेबस है, सिलेबस पता है कौन कौन सा मॉड्यूल है, कैसा है, क्या क्या है इसमें, इस मॉड्यूल yes, में। ठीक है, एक बार हम उस मॉड्यूल yes, को देखते हैं। एक सेकेंड, आई होप स्क्रीन मैंने शेयर किया, तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा होगा और स्क्रीन में तुम्हारा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का सिलेबस भी है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वन, कोर्स कोड CE404। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इन मॉड्यूल वन, स्टडी ऑफ द स्ट्रेंथ बिहेवियर डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, लोड एंड स्ट्रेसेस, लोड कॉम्बिनेशन, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट अप्रोच, ये है तुम्हारा इन मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन में बेसिकली देखेंगे क्या, तो मॉड्यूल वन में हम लोग बेसिकली कॉन्क्रीट का जो स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड अप्रोचेस। ठीक है, तो यही मुझे मॉड्यूल वन में तुम लोगों को पढ़ाना है और यही हमें देखना है। इन मॉड्यूल टू एक बार बता दे, अप्रोच यहाँ दिया हुआ है वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट अप्रोच। तो इसके अलावा इन तुम्हारे पूरे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन जो सॉल्व करना होगा, यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट, कहीं मैथ ये मेंशन नहीं है। तो तुम लोगों को के पास क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ ही साथ एज वेल एज एक तुम लोगों के लिए क्या है कि ये सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा। मैं ट्राई यही करूंगी कि दोनों ही अप्रोच लेकर सारा जो टॉपिक है वो क्लियर किया जाए। अगर नहीं हो पाया देन सिर्फ एक अप्रोच को पकड़ के ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, पर ट्राई करेंगे मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थर्ड, मॉड्यूल फोर्थ एंड मॉड्यूल फिफ्थ, ये सारा जितना भी मॉड्यूल है बोथ अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, देन मॉड्यूल टू, इन मॉड्यूल टू फ्रॉम मॉड्यूल टू टू सिक्स, ये मॉड्यूल जो है वो बेसिकली फुल आरसीसी जो हम लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है उस पर है। तो अब ये भूल जाना कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जहाँ प्रीवियस में तुम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ा था तो उसमें सिर्फ थ्योरी था, सिर्फ एक मॉड्यूल था उस जिसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल था, बट इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉड्यूल टू टू मॉड्यूल सिक्स फुल न्यूमेरिकल बेस्ड सारा मॉड्यूल है। तो कान ना कान सब खोल कर रखो क्योंकि अब तुम लोगों को इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
तो मॉड्यूल टू जो है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सेक्शन इन बेंडिंग वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड। अगेन यहाँ दोनों मेथड दिया हुआ है कि हम लोगों को दोनों मेथड से ही निकालना है। रेक्टेंगुलर एंड टी सेक्शन, बीम विथ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन। वन वे स्लैब डिजाइन फॉर शियर एंड बॉन्ड, मैकेनिज्म ऑफ शियर एंड बॉन्ड फेलियर, डिजाइन ऑफ शियर यूजिंग लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोनों ही लेकर चलना होगा वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि एक हम पिक किए एक छोड़ दिए। इन मॉड्यूल टू दोनों ही एज वेल एज वर्किंग स्ट्रेस हो या वो लिमिट स्टेट मेथड हो, दोनों को ही मुझे लेकर चलना होगा। दोनों में से किसी एक को हम ओमिट नहीं कर सकते। ठीक है, डिजाइन ऑफ सेक्शन इन टॉर्शन, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब, स्टेयरकेस, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब इन मॉड्यूल टू। ठीक है, इन मॉड्यूल थर्ड डिजाइन ऑफ स्टेयर एंड स्टेयरकेसेस। तो इस मॉड्यूल में सिर्फ स्टेयरकेस का मुझे डिजाइन देखना है और कुछ नहीं देखना है। इन मॉड्यूल फोर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, शॉर्ट कॉलम, कॉलम्स विद यूनि एक्सियल एंड बाई एक्सियल बेंडिंग, लॉन्ग कॉलम्स, यूज ऑफ डिजाइन चार्ट्स। मतलब बेसिकली इन मॉड्यूल फोर डिजाइन ऑफ कॉलम मुझे देखना है। ठीक है, इन मॉड्यूल फिफ्थ डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग फॉर कॉलम्स। बेसिकली इन वर्ड वन वर्ड इन मॉड्यूल फाइव बोलेंगे डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन चाहे वो वेल का फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन हो या हम लोग आइसोलेटेड का करें, तो डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। बेसिकली इन मॉड्यूल फाइव हमें डिजाइन ऑफ फाउंडेशन देखना है, इन मॉड्यूल फोर्थ डिजाइन ऑफ कॉलम, मॉड्यूल थर्ड स्टेयरकेस डिजाइन, मॉड्यूल सेकेंड बेसिकली बहुत ही लार्ज है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। 16 आवर्स जो है गिवन है वो थोड़ा कम हो जाएगा इस मॉड्यूल के लिए। तो ये मॉड्यूल बेसिकली फॉर योर गेट पर्पस, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पस मॉड्यूल टू जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मॉड्यूल टू जो है बेसिकली वो तुम्हारे बीम डिजाइन इसमें आ रहा है, बीम डिजाइन, स्लैब डिजाइन, टॉर्शन, शियर, ये सारा जो है वो मॉड्यूल टू में है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का फर्स्ट क्लास। सिलेबस से तुम लोग अब वाकिफ हो चुके हो, तुम लोगों को पता है। अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का। Reinforced cement concrete. मैंने RCC इसीलिए लिखा था, सब्जेक्ट का नेम था कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बट मैंने लिखा था RCC, Reinforced cement concrete।